दोस्तों, आज हम हेक्सा फ्रेम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय हो जाए। आप सभी जानते हैं कि हेक्सा फ्रेम में हम ब्लेड को बांधते हैं और उसके बाद मेटल की कटिंग करते हैं। तो हेक्सा फ्रेम एक प्रकार से टूल है जिसका प्रयोग ब्लेड को सही पोजीशन में पकड़ने के लिए किया जाता है और अलग अलग सेक्शन वाले मेटल की कटिंग करने में किया जाता है। अब बारी आती है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो चित्र में आप देख सकते हैं। एक ही चीज है जो आपको ध्यान में नहीं रहेगी, जिसे आपको याद रखना है, और वो है ये सीथ, जिसमें कि ये जो इसका फ्रेम है ये आगे पीछे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, सीथ बनाई जाती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो सीथ है, जिसे आपको ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। बाकी तो सभी पार्ट्स आपको याद रहेंगे, जैसे कि आपको याद रहेगा हैंडल, गाइड याद रहेगा, ठीक है। और यहीं पर बने होते हैं फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, जिसमें ब्लेड को पकड़ा जाता है, और इसमें एक पिन रहती है जिसको हम कहते हैं रिटेनिंग पिन, जिस पिन को हम ब्लेड के होल में फंसाते हैं। अब दूसरी तरफ रहता है इसके अपोजिट साइड में एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। अब ये एडजस्टेबल क्यों है, क्योंकि एक तरफ विंग नट लगा हुआ है जिसको घुमाकर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसके नॉमिनल साइज की, तो जैसे कि जो ब्लेड रहती है उसके एक होल से दूसरे होल तक उसकी हम क्या कहते हैं, लंबाई मानते हैं कि ये उसकी लंबाई है, ठीक। इसी प्रकार एक रिटेनिंग पिन से दूसरे रिटेनिंग पिन के बीच की जो लेंथ है, सेंटर टू सेंटर, उसे हम हेक्सा फ्रेम का नॉमिनल साइज कहते हैं। और एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ विंग नट कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल पिक्चर वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं। अब हम निम्मी की बुक से देख लेते हैं, निम्मी की बुक में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही बात कही गई है कि हैंड हेक्सा जो होता है ब्लेड के साथ में यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, अलग अलग सेक्शन की मेटल को कट करने के लिए। इसका प्रयोग हम स्लॉट और कंटूर की भी कटिंग करने के लिए करते हैं। अब बताया गया है कौन कौन से टाइप हैं इसके। एक होता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम। सॉलिड मतलब उसका जो फ्रेम है पूरा सॉलिड रहेगा, बीच में कहीं भी वो ब्रेक नहीं रहेगा, उसे हम कहते हैं सॉलिड फ्रेम। और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक ही लेंथ की ब्लेड को फंसाने के लिए, अलग अलग साइज की ब्लेड हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रहता है एडजस्टेबल टाइप का। अब एडजस्टेबल में भी एक है फ्लैट और दूसरा रहता है ट्यूबलर टाइप का। तो एडजस्टेबल में हम अलग अलग लेंथ वाली ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ट्यूबलर टाइप का, क्योंकि ये जो ट्यूबलर रहता है ये हमें बेटर ग्रिप देता है और कंट्रोल देता है कटिंग के दौरान, इसलिए एडजस्टेबल ट्यूबलर टाइप को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ट्यूबलर टाइप का दिया गया है और इसकी ग्रिप कैसी आप देख कर समझ सकते हैं, पूरी बंद है, मतलब ये क्लोज ग्रिप वाला है और ये एडजस्टेबल है। इस पिक्चर में दिखाया गया है स्ट्रेट ग्रिप, एकदम स्ट्रेट ग्रिप आप देख रहे हैं ना, और इसका जो फ्रेम है कैसा है, सॉलिड है और फ्लैट है, एडजस्टेबल ये नहीं है। यहाँ पर भी दिखाया गया है एडजस्टेबल टाइप का क्लोज ग्रिप वाला हेक्सा फ्रेम। अब हेक्साइंग मेथड में हम एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हेक्सा ब्लेड है उसके टीथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेटल के कांटेक्ट में आएंगे उतनी अच्छी कटिंग होगी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऐसा नाखून यहाँ पे लगाते हैं और वहाँ पे हमें कट लगा लेते हैं, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी जाए, फिर उसी कट के हिसाब से हम कटिंग करते जाते हैं। और फिर बात करते जैसे स्ट्रोक, कितना स्ट्रोक एक मिनट में हमें लगाना चाहिए तो अच्छी कटिंग होगी, तो इसमें बताया गया है कि 40, 50, 60 स्ट्रोक पर मिनट सही रहता है।
हाँ, और एक बात ये ध्यान ये रखना है कि देखिए हेक्सा फ्रेम को तो इसने दोनों में एक सी कंडीशन में रखा, दोनों एक सी एंगल, लेकिन बात आती है कि हमने मेटल को किस पोजीशन में पकड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट चित्र जो है करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उसका कम से कम हिस्सा वॉइस की जा से बाहर निकला हुआ, और सेकंड जो इनकरेक्ट वाला चित्र है उसमें ज़्यादा हिस्सा वॉइस की जा से बाहर निकला हुआ है। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि वॉइस के जो से मेटल का बहुत कम से कम हिस्सा बाहर आना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप कटिंग करते हो तो एक लाइन खींचते हैं ना, वहाँ से हमें फाइलिंग करना, फिनिशिंग उस लाइन तक हमें को फिनिशिंग लाके करना। तो हमें ध्यान ये रखना है कि उस लाइन से ज़्यादा मेटल, हम बहुत ज़्यादा मेटल छोड़ना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना है कि लाइन के ही ऊपर से हमने कटिंग कर दी। यदि वो हमारा रियल साइज था, करेक्ट साइज था, तो उसी के ऊपर हम कटिंग नहीं करना। कम से भी कम 1 mm की तो दूरी हमको रखना है ताकि हम जल्दी से उसको फाइल कर सकें और साइज में उसको ला सकें। अब बारी आती है, जैसे कि इसमें बताया गया हमें कि हेक्साइन किसे कहते हैं। हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की सहायता से जब हम किसी की मेटल कटिंग करते हैं तो उसे हम हेक्साइन कहते हैं। अब हेक्साइन में दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है ब्लेड। अब हेक्सा फ्रेम किस मेटल से बनाया जाता है? तो हेक्सा फ्रेम को हम बनाते हैं माइल्ड स्टील से, और उसकी केस हार्डनिंग कर दी जाती है ताकि उसमें हार्डनेस भी बनी रहे। और माइल्ड स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो झटके वगैरह सहन कर सके, टूटे ना। और यहाँ पे आकृति बताई गई है कि ये यू आकार का रहता है। पार्ट्स हम देख चुके हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है सीथ का। सीथ कई बार हमारे ध्यान से निकल जाता है और हम गलती कर जाते हैं। अलग अलग टाइप देख चुके हैं, फिक्स, एडजस्टेबल, हमने डीप कटिंग नहीं देखी थी। तो जो डीप कटिंग है, बड़े डायमीटर वाले पाइप की कटिंग करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर अधिक गहरी कटिंग करना हो तो भी हम वहाँ पर डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। अब BIS के अनुसार अलग अलग भाग में इनको बांट दिया गया है, ABCD और E। ए होता है हमारा ओपन ग्रिप एडजस्टेबल, बी होता है क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल, सी होता है स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल, और डी जो होता है स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल, और लास्ट में रहता है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम, जिसका प्रयोग बड़े डायामीटर की कटिंग या फिर अधिक गहराई में मेटल की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल लाते हैं। जो यहाँ पे सारे पिक्चर आपको दिखाई दिए गए हैं, जैसे कि जो ये ए है हमारा एडजस्टेबल है, यहाँ आप देख रहे हैं ये सीट बनी हुई है तो ये एडजस्टेबल है, और इसकी ग्रिप कैसी है? ओपन ग्रिप है, ठीक है। अब बात करें यदि हम बी टाइप की, तो बी में हम देख रहे हैं यही ग्रिप को उसने क्लोज कर दिया गया है, और ये सीट बनी है, इसका मतलब ये भी एडजस्टेबल ही था। ए और बी देख लिए, अब हम देखते हैं सी टाइप का। सी में आप देख रहे हो स्ट्रेट ग्रिप बनी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट ग्रिप बनी हुई है, और यहाँ पर ये सीथ बनाई गई, सीथ बनी है, इसका मतलब ये एडजस्टेबल है। डी जो होता है ग्रिप वही है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, ये सॉलिड टाइप का है। और ई की जब बात करें तो ई में आ जाता है हमारा ये क्लोज ग्रिप, और ये सॉलिड हेक्साफ्रेम। अब यदि हम बात करें कि इसका स्पेसिफिकेशन हमें कैसे देना है, तो इसका स्पेसिफिकेशन सबसे अच्छा यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका स्पेसिफिकेशन हम सबसे पहले जो कॉमनली नाम इस्तेमाल में लाते हैं उसे रखते हैं, उसके बाद बताते हैं किस टाइप का है वो, और उसके बाद साइज, और फिर जो BIS वाला जो नंबर रहता है ना, IS वाला जो भी नंबर है उसको दर्शाते हैं। जैसे कि
ये एग्जांपल ले लेते हैं, एडजस्टेबल ट्यूबुलर हेक्सफ्रेम कौन से टाइप का रहता है वो, उसे हम कहते हैं एफ बोलेंगे। और ये उसकी क्या है, साइज है, और ये होता है PIS स्टैंडर्ड वाला जो नाम रहता, नंबर रहता है उसको दिया जाता है। इस प्रकार से इसका नॉमेन कल्चर या फिर डेजिग्नेशन दिया जाता है। अब इसके हम हैंडल की बात करते हैं कि कौन से टाइप का हेक्सा फ्रेम और उसमें कौन से मटेरियल का हैंडल यूज में लाया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो ए बी और एफ और जो जी होता है, ये इनके जो हैंडल रहते हैं प्रेस्ड शीट स्टील से बनाए जाते हैं, या फिर मैलिएबल कास्ट आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम एलॉय हो सकता है। इस प्रकार इसके हैंडल को बनाए जाते हैं। और जैसे कि सच एज रबर, रबर प्लास्टिक, ये हार्ड मटेरियल के भी बनाए जा सकते हैं। अब बारी आती है सी और डी टाइप का जो हेक्सा फ्रेम है, उसका हैंडल कैसे बनता है। उसका हैंडल बनता है सुटेबल टफ हार्डवुड से। और जो ई टाइप का रहता है, ई टाइप का प्रयोग हैंडल जो रहेगा वो बनता है सुटेबल टफ थ्रोली सीजन एंड क्लियर स्ट्रेट ग्रैंड हार्डवुड। ई वाला भी जो है हार्डवुड लकड़ी का बना रहता है। अब जैसे कि जी टाइप का हमने नहीं देखे थे, हमारे जो बलवीर सिंह की बुक है उसमें जी टाइप का हेक्सा फ्रेम नहीं बनाया गया। तो जी टाइप का हेक्सा फ्रेम की क्या पहचान है, देखिए ट्यूबुलर है कि नहीं है उसे हम कैसे पहचानेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यदि ऐसा राउंड वाला बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्यूबुलर टाइप का है। तो ये ट्यूबुलर है, और देख रहे हैं कहीं भी इसमें शीथ नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये कैसा है, इसका मतलब ये सॉलिड है, एडजस्टेबल नहीं है। और तीसरी बात ध्यान रखना है ये इसकी ग्रिप की। तो ग्रिप देख रहे हैं आप क्लोज है, तो ये जी टाइप का है। और ये है हमारा एफ टाइप का, एडजस्टेबल है, ट्यूबुलर है, और इसकी ग्रिप कैसी है, क्लोज है। ये भी उसी का एग्जांपल है, दोनों एक से हैं। और ई टाइप का कौन सा रहता है, हमारा ई टाइप का रहता है डीप कटिंग वाला। और इसमें इसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऐसे फ्लैट वाला है। तो ये फ्लैट है, सॉलिड है, और ग्रिप कैसी इसकी, क्लोज है। अब डी टाइप का जो है सॉलिड है, एडजस्टेबल नहीं है, और इसकी ग्रिप कैसी है, इसकी ग्रिप है एकदम स्ट्रेट। और जो सी टाइप का रहता क्या रहता है, सी टाइप की विशेषता है कि इसका जो फ्रेम है वो एडजस्टेबल रहेगा, लेकिन ग्रिप जो है सी टाइप की ही रहती है। इसी प्रकार से बी बताया गया है, एडजस्टेबल और क्लोज ग्रिप। और ए जो बताया गया है, एडजस्टेबल लेकिन ओपन ग्रिप। तो इस प्रकार से हमारा हेक्सा फ्रेम का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।